करेगा भैया ये नया गांव बरियारपुर है दोस्तों। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे दोस्तों। अभी यहाँ पे जो सांप निकला है दोस्तों, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बिस्तर के ऊपर स्नेक चढ़ा हुआ है दोस्तों। चल के आपको दिखाते हैं कि सांप कैसा, खतरा हो भी सकता है दोस्तों, नहीं भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप लोग के पास मोबाइल नंबर नहीं है दोस्तों तो यूट्यूब पे जाके पार्ले जी वैशाली, चाहे वैशाली के स्नेक रेस्क्यू, चाहे बिहार के स्नेक रेस्क्यू, और दोस्तों यूट्यूब पर से नंबर निकाल के दोस्तों बिहार के कोई भी कोना में स्नेक रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों बुला सकते हैं दोस्तों। चलिए आपको चल के दिखाते हैं कि दोस्तों सांप इसी के अंदर, घर के अंदर तो सब गोटा रहना जाओ, देख सकते हैं सांप यहाँ पे छुपा हुआ है, देख सकते दोस्तों। ये सांप जो है इसी के अंदर घुसा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको अभी हम निकालेंगे, आपको दिखाएंगे कि सांप कैसा, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। देख सकते दोस्तों यहाँ पे नीचे सुरंग भी बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि सांप जो है सबको लग रहा है कि इसी सुरंग में से निकला है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा चूहा का डियर है, आगे मोटा है, मोटा है, देख सकते दोस्तों। ये सांप जो है किस तरह पलंग के ऊपर चढ़े हुआ दोस्तों। ऐसे में किसी को आदमी लोग बोलता है कि सांप बिस्तर पे नहीं चढ़ता दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं ये पलंग पे किस तरह सांप चढ़े हुआ दोस्तों। आप लोग हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए, बाहर लेके बाहर लेके बाहर लेके भाग रहे आपके पास आधा से 45 मिनट आपके पास समय रहेगा दोस्तों, उससे पहले आपको एंटीवेनम का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। ऐसा सांप किसी को भी काटे तो कोई दोस्तों तुरंत डिस्ट्रिक्ट पे जाइएगा, इसका आपका प्राण का रक्षा वहीं पे हो सकता है जहाँ पे एंटीवेनम उपलब्ध रहता है दोस्तों। और ऐसा सांप किसी को भी काटेगा तो आपके पास आधा से 45 मिनट आपके पास समय रहेगा दोस्तों। लेकिन ये सांप जो है बहुत खतरनाक सांप होता है दोस्तों। अपने भारत में हर साल 1 लाख आदमी को मौत होता है दोस्तों सांप को बाइट करने से, देख सकते हैं। लेकिन यही एक ऐसा सांप है तो अगर ये हाथी को भी काट लेगा तो हाथी को भी मौत के घाट उतार सकता है दोस्तों, देख सकते हैं। अगर ऐसा सांप किसी को भी काटे तो कोई झाड़ फूक नहीं, लाइट देने कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों, तुरंत डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, इसके एंटी में हम सुन लीजिएगा, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं दोस्तों। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, यूट्यूब पे जाके पार लीजिए वैशाली दोस्तों, क्योंकि आप लोग के लिए रिस्क उठाते दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों। और सबसे पहले कि अभी गांव देहात के आदमी लोग अफवाह फैलाया हुआ है कि अभी कोई भी सांप काटता है तो सबसे पहले आप लोग ओझा के पास जाते हैं, इसलिए आप लोग की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्योंकि किसी को भी सांप बाइट करे तो ओझा सोखा के पास नहीं जाएगा, नहीं तो मारे जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके प्राण का रक्षा वहीं पर हो सकता है जहाँ पे इसका एंटीवेनम फ्लोत रहता है। लेकिन अपने गाँव देहात में सबसे पहले तो बताता है कि साकर सांप जो होता है घर के अंदर बेग में झोला में रहता है दोस्तों, लेकिन साकर सांप में जहर नहीं होता है। अगर वो सांप अगर आपको बाइट करे तो तुरंत हॉस्पिटल में जाइएगा, उसका एंटीवेनम सुई नहीं लेना है, टिटनेस का सुइया लीजिएगा और झाड़फूक नहीं करवाइएगा। टिटनेस का सुइया लेके आप घर पे चला आइएगा, घर भी सांप काटेगा तो टिटनेस का सुइया लीजिएगा, धामिन भी सांप काटेगा तो टिटनेस का सुइया लेना है दोस्तों, डरने की बात नहीं है। चलिए दोस्तों इसको डिब्बा में पैक करते हैं और फिर इसको सुरक्षा जगह पर ले जाकर फिर इसको रिलीज करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन ऐसे जल्दी किसी को बाइट नहीं करता, जब तक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जब तक इसके साथ बर्बरता नहीं करेगा तब तक बाइट नहीं करता दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको पैक करते हैं, फिर इसको सुरक्षा जगह पर ले जाकर फिर इसको हम रिलीज करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा वीडियो देख के ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये काम स्पॉट का खतरा इसी समय होता है दोस्तों। लंगड़ी बाहर छपाल लंगड़ी ठीक हो जाती है ना, ठीक कर लेते हैं।